मुंबई शहर में जो आसान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है, सब आसान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंद दीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजिन जो है इस शहर में उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आजान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाक्य आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाक्य है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम है कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा हो मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आजान की मानी को जाने ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आजान में हम 4 बार दोहराते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुभान व तआला के रसूल है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हैया लिस्सलाह, हैया लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ, हैया लिलफलाह, हैया लिलफलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आजान की मानी को जानेंगे फिर हमारे दिल पे आजान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में कि जब आप जुमा की आजान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आजान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में जब मूसा अलैहिस्सलाम
आंख की तरफ जाते हैं तो एक आवाज सुनते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ए मूसा अपने पैरों में से जूतियां निकालो क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहि सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में सूरह ताहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11-12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारे जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी, लिखा है बुक ऑफ एग्जोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से ड्रॉ नॉट नाय हेदर पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट फॉर द प्लेस वेयर थाउ स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, यह पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहां खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट फॉर द प्लेस वेयर थाउ स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाजत दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताबु सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहां जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताबु सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के, मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक हैं, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माईदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एग्जोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए, मोसेस एंड एरन एंड द सन्स दे वॉश्ड द हैंड्स एंड फीट एंड दे एंटर्ड द टेंपल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन एंड व्हेन दे केम क्लोज टू द ऑल्टर दे वॉश्ड देयर हैड। मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेंपल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। यह पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जहां कहा गया है कि पॉल अलोंग विद द अदर मेन द नेक्स्ट डे वॉश्ड एंड एंटर्ड द टेंपल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोए अपने आप को और वो टेंपल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है
कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी वुदू करना फर्ज है नमाज के पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 56 56 हदीस नंबर 429 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मोमिन के लिए ये सारी जमीन, इस दुनिया की सारी जमीन एक मस्जिद है। मतलब हम मुसलमान इस दुनिया के कोई भी हिस्से में ये सारी जमीन पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान चैप्टर नंबर 75 चैप्टर नंबर 75 हदीस नंबर 652 हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सहाबा नमाज पढ़ते थे तो हमारा कांधा हमारे सहाबा के कांधे से लगता था, हमारा पैर सहाबा के पैरों से लगता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस है सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245 हदीस नंबर 666 666 अल्लाह के रसूल नमाज शुरू करने के पहले पलटते और कहते हैं कि अपनी कतार को सीधी करो, स्ट्रेटन योर रोज, और कोई जगह बीच में मत छोड़ो और जगह को करीब करो ताकि शैतान आपके बीच में ना आए। नमाज जब हम पढ़ते हैं, सलाह अदा करते हैं, फर्ज है कि जब जमात में खड़े हैं तो हमारा कांधा हमारे साथी के कांधे से लगना चाहिए, हमारा पैर हमारे साथी के पैर से लगना चाहिए। चाहे जो आदमी आपके करीब, चाहे दो लोग खड़े हैं साथ में, चाहे राजा या फकीर, गरीब या अमीर, गोरा या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए सलाह के लिए साथ खड़े हैं तो फर्ज है कि वो कांधे से कांधा मिला के नमाज पढ़े। ये इस्लामी भाईचारा है, फर्ज है। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन है वो कुरान में जिन का जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में, लेकिन कुरान के जरिए हमें पता लगता है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो, टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप हैं अपना रुख अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो, ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता कौनितीन, कि अपने डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में, और अजीम कुरान। सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाम में आपको रुकू करना ज़रूरी है, और रुकू लफ्ज कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है, और
सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को जमीन पे टेकना, कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है, कुरान में 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुकनितली रब्बी की वजदुदी वरकई मा या रकई, कि ए मरियम आप अल्लाह की इबादत करो और सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फला पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुक्म करते हैं हमारे लिए फर्ज है क्या उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह सुबहाना व ताला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से जिसके मानी है बंदा बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक हमारे रब अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह के एक अहम इबादत है सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं, इबादत के मानी अब बंदगी अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसान हैं। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है, हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है मेरे पास दौलत है ऐश है आराम है, अल्लाह से दूर जाता है, सलाह नहीं पढ़ता और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपके जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है, कई गैर मुसलमान है जो
सलाह नहीं पड़ते, लेकिन एकदम डिसिप्लिन्ड है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे के डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट जो 10 बजे का आप पहुंचे, 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर है और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है, जो आपके नीचे है उसके आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात लोगों, जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको, रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल्लव कुफ्फानात, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपके जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते हैं।